आपको भी घर बैठे इमरजेंसी में लोन चाहिए, यानी इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए, इंस्टेंट पर्सनल लोन अगर आपको चाहिए तो आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप पूरे 5 लाख रुपए तक का लोन घर बैठे विदाउट किसी पेपर वर्क के ले सकते हो अपने मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ में। यानी आपका मेन डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका पैन कार्ड और दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड वोटर आईडी कुछ भी आप दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इस पे आपको मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को सही से देखो, इस ऐप के बारे में जानो, समझो कि ऐप है कौन सा, इस पे ब्याज कितना लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा और कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं सही से देने वाला हूँ। ये जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इस ऐप को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इस ऐप को मुझे पर्सनल मुझे सही लगा है तब जाके मैं आपके सामने ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ जानकारी देने के लिए, रिव्यू कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि सर अच्छी अच्छी एप्लीकेशन लेके आओ, तो अच्छी अच्छी एप्लीकेशन जो होते हैं उसके बारे में मैं जानकारी देना काम है हमारा, हम अपने चैनल पर सिर्फ जानकारी देते हैं, हम कोई लोन वोन नहीं देते। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो सही एप्लीकेशन होते हैं उनके बारे में मैं जानकारी देता हूं, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए आजकल क्या है, देखिए आप घर बैठे ऑनलाइन 5 लाख तक का लोन इतना ले सकते हो, उससे बड़ा भी अमाउंट ले सकते हो, लेकिन सही एप्लीकेशन चुनने के बाद, सही एप्लीकेशन कैसे चुनोगे आप इस वीडियो को सही से देखो, समझो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी क्योंकि हम आपको सही जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। से पहले दोस्तों आपको ध्यान रखिए, कभी भी लोन अप्लाई करने से पहले आप उस ऐप के बारे में सही से जानो, समझो कि क्या वो एप्लीकेशन आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है कि नहीं। ध्यान रखिए आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड क्यों मतलब लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो सरकार होते हैं गवर्नमेंट होते हैं, तो पहले देख लेते हैं क्या ये एप्लीकेशन सही है कि नहीं, क्या ये मतलब सही से लोन दे पाएगी कि नहीं, तो पहले वो सब चीज देख लेते हैं, उसके बाद उनको लाइसेंस मिलता है, समझ गए। तो यानी दोस्तों गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, आरबीआई से लाइसेंस मिला है कि नहीं, तो पहले आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है प्ले स्टोर पे ऑनलाइन बहुत जगह फेक एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारा, आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि उस पर अपना डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले आप पहले जानकारी एप्लीकेशन के बारे में ले लो, उसके बाद जाके एप्लीकेशन में अप्लाई करना, ठीक है। इस तरह से एक सही एप्लीकेशन आपके सामने लेके आ गया हूँ, इस बार मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि इस ऐप को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली मुझे सही लगा है, हमारे चैनल पर सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है, जो मुझे सही एप्लीकेशन लगता है, सही चीज़ लगता है उसके बारे में हम जानकारी देना काम है हमारा, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, जो भी एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में मैं सिर्फ जानकारी देना इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस ऐप का नाम पहले जान लो आप, उसके बाद मैं बताऊंगा इस ऐप से आप लोन की कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या ये एप्लीकेशन सेफ है कि नहीं है, क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं ताकि आप घर बैठे 5 लाख तक का लोन आप ले सको घर बैठे, ठीक है। तो आप पहले सही से देखो, क्योंकि दोस्तों लोन अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको सही जानकारी लेना पड़ता है, तो आप भी एक बार रिसर्च कर लेना, सही जानकारी ले लेना, उसके बाद जाकर अप्लाई करना, ठीक है। आपको बताऊंगा कि अपने मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप कैसे इस पे लोन अप्लाई कर सकते हो बिना पेपर वर्क, क्योंकि इस पे आपको डिजिटल लोन मिल रहा है, डिजिटल लोन के लिए कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान कि हमारे चैनल तरफ से कोई आपको कॉल मैसेज नहीं करता है, हम सिर्फ जो वीडियो बनाते हैं उसमें सिर्फ जानकारी देना काम होता है, हमारे चैनल पर सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है, तो कोई भी कॉल या मैसेज करता है तो उनसे आप बच के रहिए, क्योंकि वो सब फ्रॉड होते हैं, आपसे पैसा ऐंठ लेंगे कि आपको लोन देंगे, ऐसा लोन नहीं मिलता है, सही तरीके से लोन मिलता है जो कि आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन देखते हैं, इस ऐप का नाम है देखते हैं FIB, ठीक है, इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या ये एप्लीकेशन इंस्टेंट लोन हमें देती है कि नहीं देती है, तो इसके बारे में सही जानकारी हम आपको सही से देने वाले हैं अच्छे से। देखिए कि यहाँ पे देने की रेटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों रेटिंग पे क्या होता है कि देखिए कई जगह क्या होता है फेक भी रिव्यू मिलते हैं, ठीक है, आजकल क्या है फेक भी रिव्यू मिलता है, तो रेटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। हम आप जो सही चीज़ है वो आप देखिए, पहले एक बार रिसर्च कीजिए उसके बाद, क्योंकि ठीक है ये एप्लीकेशन मुझे पर्सनली सही लगा है, और ये एप्लीकेशन जो है इनके जो पार्टनर हैं वो आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं तब जाके वो लोन दे रहे हैं, ठीक है। पार्टनर क्या होते हैं वो आपको सब इस वीडियो में सही से देने वाला हूँ, जानकारी सही से देखो एक बार, थोड़ा तसल्ली से आपको इसलिए अच्छे से बताने वाला हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए इसके लिए माफी चाहता हूँ। इसमें देखिए कि इसमें पूरे 5 लाख तक का लोन आप ले सकते हो, ठीक है, आपका सिविल कितना होगा वो भी आपको बताऊंगा इसमें। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अबाउट सेक्शन में क्लिक करेंगे, प्लस मैंने इसको रिसर्च किया है, काफ़ी मुझे अच्छा लगा एप्लीकेशन। ये देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे ये देखते हैं पर्सनल लोन फॉर सैलरी वाले इस पे ले सकते हैं, पर्सनल लोन सैलरी वाले, ठीक है। इस पे ऑफर मिलता है, ये जो एप्लीकेशन है इस पे ऑफर मिलता है क्रेडिट लाइन और क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट लाइन मिलता है, क्रेडिट लाइन क्या होता है और क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट लाइन और पर्सनल लोन में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्रेडिट लाइन में ये फायदा होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपये का लोन मिल गया,
ठीक है। अगर पर्सनली कहते हैं तो इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, इसमें शॉर्ट में बता दूं कि मान लीजिए 5 लाख का लोन मिल गया, अभी पैसे की जरूरत है आपकी, इंस्टेंट कैश की जरूरत है, ठीक है, आपको पैसे की जरूरत है 50,000 रुपये है, तो आप उस पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर लोगे इंक वॉलेट से, इंक वॉलेट में आपको 5 लाख क्रेडिट हो गया, 24 घंटे साथ दोनों कभी पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो 50,000 रुपये की जरूरत है, 50,000 रुपये खर्च करने हैं आपको, तो 50,000 रुपये निकालते हो तो 50,000 कहीं आपको ब्याज लगने वाला है, बाकी जो 4,50,000 रुपये है उसके ब्याज नहीं लगने वाले हैं, इसका वॉलेट में जो रहेंगे। जितना पैसा बैंक में ट्रांसफर करोगे, जितना पैसा यूज करोगे, उसका ही ब्याज आपको लगेंगे, बाकी के नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। इसमें जितना रहेगा उसका नहीं लगेगा, बाकी जितना पेमेंट रीपेमेंट करते जाओगे उसका बैलेंस आपको इसी में बनता रहेगा एक बार अप्रूवल हो गया तो, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है पूरे ऑल इंडिया, कहीं से भी अगर आप इंडियन हो तो इंडिया में ऑल इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो घर बैठे अपने फ़ोन की मदद से। तो यहाँ पे दोस्तों देख, सबसे पहले देखिए 5,000 रुपये, जैसे कि देखते हैं मिनिमम 5,000 से लेके 5 लाख तक का लोन आपको मिल रहा है इस पर, 5 लाख रुपये तक का। अब देखिए कि यहाँ पे लोन इन 2 मिनट इंस्टेंट पर्सनल लोन, ये कह रहे हैं कि आपको 2 मिनट में लोन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या इस पे 2 मिनट में लोन मिलेगा, वो आपको इस वीडियो में आपको और जानकारी मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको सही जानकारी देने की कोशिश हम करते रहते हैं हमेशा, ठीक है, जो हमसे सही लगता है जानकारी, हम पूरा जितना इन्फॉर्मेशन हम अपने तरफ से खोजते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपके सामने लेके आते हैं, ठीक है, ये सब समझाने के लिए सही से। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है 3 महीने से लेकर 36 महीने के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है, 36 महीने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है देखते हैं 100% डिजिटल, जैसे कि मैंने कहा था डिजिटल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे अपने फ़ोन की मदद से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मिनिमम, पेपर वर्क, यानी पेपर वर्क में मिनिमम, मतलब मिनिमम पेपर वर्क क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स, यानी पैन कार्ड, जो आप डॉक्यूमेंट देखिए, मेन जो पैन कार्ड आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपका होता है, सबसे पहले जान लो आपका सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड सबसे बड़ा। उसके बाद ऑप्शन में आता है मतलब एड्रेस प्रूफ में आता है आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब आता है। उसके बाद उसको इनकम सोर्स, जैसे कि इनकम सोर्स अगर मांगते हैं तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, बस ये है पेपर वर्क आपका, समझ गए। तो यहाँ पे देखते हैं क्लोजर, यहाँ पे बाकी कोई चार्ज नहीं, कोई यहाँ पे बाकी सब दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं सही से। अब यहाँ पे देखो कि देखते हैं यहाँ पे इंस्टेंट लोन अभी तक इतना मिल चुका है, बाकी ये सब छोड़िए, ठीक है। अब यहाँ पे लोन अप्लाई इनके 21 लाख जो कस्टमर हैं, हैप्पी कस्टमर हैं, जिनको लोन मिल चुका है। देखिए कई लोगों को लोन रिजेक्ट भी होता है, कई लोगों को लोन मिल भी जाता है, क्यों, क्योंकि उनका सिविल, क्योंकि जब भी आप लोन अप्लाई करो कहीं से भी तो आप पहले अपना सिविल चेक कर लो, ठीक है। अगर आपका सिविल सही रहता है तो आप सही से अप्लाई कर पाओगे, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा लोन। तो पहले आप सिविल चेक करो, हाँ भाई पहले आपने लोन लिया है, कहीं से चुकाया, टाइम पे पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड लिया, टाइम से पेमेंट किया है, तो उसके बारे में, बाकी सिविल के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो दे दिया हूँ, उस जगह देखिए, बाकी सही समझाया हूँ सिविल के बारे में कि अपना सिविल कैसे बढ़ा सकते हो, सही कर कैसे कर सकते हो। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि अब देखिए कह रहे हैं कि भैया इस पे साफ साफ जो एप्लीकेशन RBI से NBFC रजिस्टर्ड होते हैं, जिनके पार्टनर चाहे जो भी, तो वो पहले बता देते हैं कि आप इस पे लोन अप्लाई करोगे तो कितना आपको चार्ज, ब्याज जो भी सब लगेगा। अब देखिए कि मान लीजिए इस पे आपको मिल गया 50,000 का लोन आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद उसको 2% का आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगा, 18% GST इतना लगने वाला है, 18% का GST यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों टोटल अमाउंट जो पे करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट आपको 51,180 रुपये आपको पे, मतलब टोटल अमाउंट इतना पे करना पड़ेगा 50,000 लोन लेते, मतलब यहाँ पे आ चुका है, ये भी नहीं है, नीचे दिखा रहा हूँ, बाकी यहाँ पे ये चीज़ अलग है, जो यहाँ पे GST प्रोसेसिंग फीस है ये चीज़ है, ठीक है, इतना चुकाना पड़े, लेकिन और भी चुकाना पड़ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आएंगे कि अब देखिए कि यहाँ पे कि 12 महीने के लिए आपने लोन लिया, ठीक है, यहाँ पे अब देखिए कि आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, वो सब यहाँ पे नीचे दिया गया है कैलकुलेट करके, ये सब देखिए जो है कि आपका प्रोसेसिंग फीस ये सब यहाँ पे लग सकता है, उसको मिला के यहाँ पे टोटल दिया गया है। तो यहाँ पे 24% तक का, मान लीजिए 12 महीने के लिए आप लोन लिया, 24% तक का ब्याज लगेगा साल का जो लगता है वो लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों मंथली का EMI आपका बनेगा यहाँ पे 4840 रुपया, ठीक है। अब देखिए 4840 को आप यहाँ पे 12 में गुना कर देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 58,075 रुपये आपके होते हैं। तो ये आपका टोटल आपको पे करना पड़ेगा
आपको 58,000 कुछ रुपए, ठीक है, आपके बैंक में पैसा जो है, मतलब 50,000 का लोन लेते हैं तो इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 50,000 का आपका बैंक में पैसा आएगा, बाकी 58,000 कुछ रुपए 12 महीने में इतना पेमेंट करना पड़ेगा, समझ गए। इतना 24% का ब्याज, देखिए हमारा मुझे साल का ब्याज होता है, तो ये सब चीज़ पहले आपको दिखा दिया था कि हाँ 50,000 का लोन लोगे तो इतना चुकाना पड़ेगा, अगर आपको इससे ज़्यादा अगर आपको पेमेंट करना पड़ता तो RBI से कंप्लेन कर सकते हो आप, ठीक है। RBI से कंप्लेन करने के लिए अगर आपको जानना है कि कैसे आप कंप्लेन करते हैं ऑनलाइन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा अगर आपको लेते हैं पैसा, साफ साफ लिख रखे हैं कि इससे ज़्यादा अगर लेते हैं, मतलब जैसे देखिए ये RBI के लाइसेंस जब मिलता है, जब ये बताते हैं अगर इससे ऊपर आपसे चार्ज काटते हैं, देखिए आपने लेट पेमेंट किया है तो उसका चार्ज तो लगेगा, मान लीजिए लेट पेमेंट करते हैं 10 दिन 20 दिन हो गया लेट पेमेंट, कुछ 20 दिन लेट हो गया, देखिए 1-2 दिन लेट हो गया कभी कभार तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लीजिए 1 महीना 2 महीने लेट हो गया तो उसमें चार्ज लगता है, तो उसका चीज़ अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर टाइम से पेमेंट कर रहे हो, इससे ज़्यादा अगर पे करते हो तो RBI से कंप्लेन आप कर सकते हो, समझ गए। अब देखिए कि आप पर्सनली बता दूं कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जब भी लोन अप्लाई करोगे तो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि आपको पर्सनल लोन के लिए आपको क्या क्या चीज़ आप लगने वाले हैं, मेन ध्यान रखिए सबसे पहला ये चीज़। अब देखिए कि सबसे पहले कि इंडिविजुअल सैलरी, इंडिविजुअल आप इनकम सैलरी कहीं से भी हो, आप सैलरी पे कर रहे हो, आपकी इनकम हो रही तो आप यहाँ से ले सकते हो, समझ गए, मंथली के सैलरी आ रहे हैं। उसके बाद आपका उम्र होना चाहिए 21 साल एज है, और मंथली के सैलरी है 15,000 रुपये, आपकी मंथली के सैलरी हर महीने के 15,000 रुपये आ रहे हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इतना सैलरी हर किसी का आजकल होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना है, सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन को मिल रहा है इंस्टेंट, सबसे पहले पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि जो चीज़ मैंने कहा था आधार कार्ड, तो आधार कार्ड है, वोटर आईडी, मतलब यहाँ पे आधार कार्ड मांग रहे हैं, पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड। उसके बाद दोस्तों सैलरी बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड आधार कार्ड सैलरी बैंक स्टेटमेंट, जिसमें बैंक पैसा आपका हर महीने का है उसमें बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अब आप इसे अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई कैसे करोगे देखिए कि सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे मोबाइल नंबर से, लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद उसको बेसिक डिटेल फिल करना है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे कि मान लीजिए बेसिक में नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस वगैरह। उसके बाद पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स ये आपसे अपलोड करने के बाद, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑफर मिल जाएंगे, 5,000 से लेके आपको 5,00,000 तक का लोन का ऑफर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बस इस ये करने में आपको मात्र 2 मिनट लगने वाले हैं, यही 2 मिनट फॉर्म फिल करने में लगते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों इस अप्लाई हो गया, ऑफर मिल गया, तो आपका हर चीज़, आपका सिविल सही रहता है तो आपको जॉब ऑफर मिलेगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स फिल करोगे, अप्लाई करोगे तो आपका सिविल सही रहता है, मिनिमम सिविल आपका 650 से लेके, मतलब 650 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इतना प्लस से ऊपर। उसके बाद दोस्तों यहां से पैसा आप बैंक में सीधे ट्रांसफर कर सकते हो। इस तरह दोस्तों यहां से आपको एप्लीकेशन या डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कहोगे यार एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिखाओ दोस्तों, यानी कि मैं हमारा काम है जानकारी देना, अब हर एप्लीकेशन में डाउनलोड करके अप्लाई करता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएंगे, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं फिल करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको पर्सनली चाहिए कि हाँ इस पर आप अप्लाई करके दिखाओ तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा ज़्यादा कॉमेंट आते हैं इस पर, लगभग 50 कॉमेंट इस पर आ जाते हैं अलग अलग से लोगों के कि हाँ सर अप्लाई करके दिखाओ इस पर, तो मैं कोशिश करूंगा इस पर आपको फॉर्म फिल करने के लिए, पूरा अप्लाई नहीं कर पाऊँ क्योंकि दोस्तों वहाँ पे अप्लाई करने के बाद लोन मिल भी गया तो मुझे लोन अभी चाहिए नहीं। अगर आप डिमांड करते तो मैं अप्लाई, मतलब फॉर्म फिल करने की कोशिश मैं करूंगा। तो यहाँ पे 2 मिनट में कहते हैं कि आप इसे अप्लाई कर लोगे, आपको 5,00,000 तक का लोन आपको मिल जाएगा, आपके सिविल स्कोर की मदद से, अगर आपका सिविल सही रहता है तो आपको मिल जाएगा फटाफट लोन। इस पर आप इस पर रिपेमेंट भी सही तरीके से कर सकते हो, जस्ट डाउनलोड ऐप आपको कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पैसे, मतलब हर महीने के देख सकते हैं टोटल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपको 24 महीने कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन का पेमेंट करना है सब यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, अप्रूवल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड बन के आपके सामने आ जाएगा, इसी में आप इसमें रीपेमेंट भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मंथली कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कितना ब्याज लगेगा, टोटल यहाँ पर सब यहाँ पर दिया जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से अपना स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हो इस पर। तो ये एप्लीकेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपको भी घर बैठे लोन की ज़रूरत है। कहिए दोस्तों ध्यान किए कि ऐसे एप्लीकेशन ढूंढते हैं, इसीलिए दोस्तों हम जो सही एप्लीकेशन होते हैं उसके बारे में जानकारी देना हमारा काम होता है, ठीक है। आजकल क्या आप जानते हो कि फेक एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, आपके पास भी कॉल मैसेज भी आता होगा कि सर लो मैं आपको लोन दे दूंगा, पहले मुझे पैसा दो, उनसे आपको बच के रहना, वो सब फ्रॉड होते हैं।
ठीक है। तो हम दोस्तों यही करते हैं कि ऑनलाइन आप सबको डिजिटल सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, डिजिटल सहायता करते हैं, डिजिटल सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और आपको जानकारी सही लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों रेगुलर ये सब वीडियो देखना है लोन के बारे में, अर्निंग के बारे में, और भी कुछ अपडेट के बारे में, योजना के बारे में, तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। हमने सिर्फ इस वीडियो में जानकारी दी है और जो भी कुछ बताया है वो सिर्फ जानकारी देने के लिए बताया है, डिजिटल सपोर्ट करने के लिए बताया है, डिजिटल रिव्यू किया है मैंने, सिर्फ जानकारी दी है। आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।